सब दर्शक लोगन के धरती पुत्र बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के नमस्कार प्रणाम। मॉडर्न भइल बहुत अच्छा बात बा। आजकल जकरा देखी मॉडर्न बने के दौड़ में शामिल बा। अब देखी ना सौमित्र पांडे सैम बन के घूमत बाड़न, तो राधिका रेड्डी हरकृष्ण प्रसाद अपना के हैरी बतावत बाड़ा, तो सुमित्रा सुश कहलाए में गौरव महसूस करत बाड़ी। यह लड़कियन के बाल छोट हो जात बा तो वह लड़का लोगन के बाल बढ़ल जात बा। लड़कियन के गहना पुरुष लोग पर सजे लागल बा तो पुरुषन के वस्त्र लड़की लोग पे फले लागल बा। मार भाई सच बताई तो नाम और वस्त्र बदल लेला से केव मॉडर्न नहीं होखेला। मॉडर्न बने खातिर जरूरत बा अपना सोच और विचार बदले के। आज लगातार सफलता के सीढ़ी पर चढ़ रहल बा हमनी के ये आम आदमी के कार्यक्रम दिल के मेल दिमाग के खेल के बनी करोड़पति। तो चलिए खेल के आगे बढ़ावल जाए और खेलल जाओ इस सप्ताह के बाकी बचल 9 प्रतिभाशाली प्रतिभागी लोगन के साथ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तैयार हो जाए और नजर अपन अपन स्क्रीन पे गणाई। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खातिर आपके सवाल रहल ई। भारत के प्रधानमंत्री लोगन के उनकर प्रधानमंत्री बने के वर्ष के अनुसार शुरू से बाद के क्रम में सजाई और आपके ऑप्शंस बा ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी लाल बहादुर शास्त्री। समय समाप्त और आई देखल जाओ सही क्रम का बा। और सही क्रम बा ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री, बी राजीव गांधी और सी अटल बिहारी वाजपेयी। देखल जाओ सबसे कम समय में के जवाब देने वाले। कौशलेंद्र कुमार शुक्ला जी, आइए हम सब मिलके खेलल जाओ दिल के मेल दिमाग के खेल के बनी करोड़पति। हॉट सीट पर बैठल बाड़े उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आयल कौशलेंद्र कुमार शुक्ला। मनोविज्ञान से एमए करके कौशलेंद्र जी देर रात तक घूमे के शौकीन बाड़न। आई देखल जाओ कंप्यूटर जी महाराज से अपने बारे में का बतौले बाड़न। हमारा नाम कौशलेंद्र कुमार शुक्ला बा और हम उत्तराखंड पंतनगर से आयल बानी। वर्तमान में हम एगो मार्केट रिसर्च कंपनी हंसा रिसर्च ग्रुप में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत बानी। वैसे तो हमारा जीवन के कई यादगार क्षण बा, लेकिन एगो क्षण ऐसा आयल कि एक बार हम अपने गर्लफ्रेंड से मिले के खातिर ओकरा के घरे गईली। थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पे ओकर दादी आ गईली और दादी से बचावे के खातिर उसने हमरा के रजाई रखने वाले बड़े बॉक्स में बंद कर दिया और मैं पूरा दिन भर उसी बॉक्स में ही बैठा रहा। शुक्र है भगवान का कि वो जनवरी का महीना था, अदरवाइज मैं तो। बहुत जवान लोग बैठल बा यहाँ, पूरा सुनलस के ना नहीं खे मालूम। एक बात तो बहुत गौर से सुन लेलस, जनवरी का महीना, गर्लफ्रेंड से मुलाकात और दादी आ गई नहीं हो जा, और दादी के डर से मुँह आ गई नहीं, जान निकल गई। और वो जान आपकी थी जिनसे आप मिलने गए थे, उस जान के चक्कर में दादी जी के डर से राउर जान निकल गई, आपने के रजाई वाला संदूकची में डाल देला। उसमें नीचे एक रजाई रखी हुई थी तो उसी पे मैं हो गया। सब इंतजाम रहे भैया, रजाई भी रहे। ठीक बा ठीक बा, बहुत जान है हा? अच्छा ये बताएं राहुल सपना का बा। सर शुरू से तो वैसे मेरा जब कॉलेज में था तो ऐसा था कि मैं किसी जो फार्मूला 1 रेसिंग होती है
मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं मैं, लेकिन मुझे कोई तरीका मालूम नहीं था, ना ही मेरे पास कोई स्पॉन्सर करने वाला मुझे था। आप शादीशुदा बानी? ना ना, बस ऐसे ही घाट घाट के पानी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। के शादी करे का जरूरत बा? जब ना ना संदूक बा, रजाई बा। बताएं साथे के आइल बा? साथे हमारे छोट भाई लाल मार ने, विनोद कुमार शुक्ला जी। का विनोद जी, का हाल चाल बा? बढ़िया सर। जे गुण इनकर बा छोट भाई की, वैसे ही गुण बा का? नहीं सर, वैसा नहीं है। ना नहीं, वैसा नहीं सर। ये सब बड़ भाई से एकदम इस मामले में विपरीत बानी आप? नहीं सर, ये उत्तरांचल में रहे, हम यूपी में रहे, इसीलिए तो विपरीत तो होगा ही। बहुत फर्क है। एनी आपके स्वागत बा, आपके भाई बहुत स्मार्ट बाड़े, ये खेल के नियम कानून मालूम बा ना? जी। तो फिर हो जाए आम आदमी के प्रोग्राम, ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर, दिल के मेल दिमाग के खेल, के बनी करोड़पति। आपके खातिर कंप्यूटर जी महाराज, 1000 रुपया खातिर पहला सवाल बा ई। एक मुहावरा के अनुसार वो आदमी के का कहल जाए जो पूरा टाइम पढ़ते रहेला, और आपके ऑप्शंस बा ए किताबी नवाब, बी पोंगा पंडित, सी किताब नंदन, और डी किताबी कीड़ा। हाँ जी, डी किताबी कीड़ा। डी किताबी कीड़ा पक्का? पक्का। मारी मोहर लगाई ठप्पा डी पे, और एकदम सही जवाब, तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जीत गई नहीं आप 1000 रुपया, इकराम ने कही ला, बढ़िया बोनी भाई जी। तो कौशलेंद्र कुमार जी, दूसरा सवाल 2000 रुपया खातिर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर हल की। एमे से के देवराज यानी देवता जन के राजा हूं, और आपके ऑप्शंस बा ए इंद्र, बी विष्णु, सी शिव, और डी ब्रह्मा। जी ए इंद्र। ए इंद्र जी। पक्का? पक्का सर, ये इंद्र ही होना चाहिए। मारी मोहर लगाई ठप्पा? जी बिल्कुल, ए पे ठप्पा लगाओ जाओ। सही जवाब। इनका स्वर्ग और युद्ध के देवता भी कहल जा रहा है। 2000 जीत चुकल बानी, अब तीसरा सवाल 3000 रुपया खातिर जी। कंप्यूटर स्क्रीन पर रहल ई। फिल्म नदिया के पार के गाना में किनकरा आइला से अंगना में बहार आ गेल है। बहुत संदूक के आपके शौक है, और जानकारी है रजाई के भी। हाँ, आपके ऑप्शंस बा ए माई, बी सैया, सी भौजी, और डी साली। सी भौजी। सी भौजी सर। हाँ भौजी। तेरे 3 लाइफलाइन बाकी बा आपके जी, असमंजस होके तब लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते। सी भौजी। और टाइम बचो। नो सी भौजी। टेक इट। भौजी। भौजी जी। स्टॉप, ठप्पा लगा दीजिए। आप बगैर लाइफलाइन के बेड़ा पार जीत गए नहीं है। थैंक यू सर। गीत के बोल हो सांची कहे तो रावण से हमरे अंगना में आइल बहार भौजी। एकदम आपके टाइप का गाना भाई, एकदम एकदम ठीक बा, बढ़िया बा। चौथा सवाल हो कि 5000 रुपया खाते, और 5000 रुपया के सवाल बा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ई। सेल्सियस और फारेनहाइट एमें केकर मानक इकाई बा। आपके ऑप्शंस बा ए दाब, बी समय, सी बल, और डी तापमान। 3 लाइफलाइन बाकी बा। सर डी तापमान। डी तापमान जी, टेम्परेचर तापमान जी। पक्का? पक्का सर। मारी मोहर लगाई ठप्पा जी। डी तापमान पे मारी मोहर लगाई ठप्पा। चलिए भाई सर, टेम्परेचर उसी को तो कहते हैं, तापमान को ही ना।
चलो आप जीत गए, एकदम सही बानी। तालियां, 5,000 रुपया आप जीत चुकल बानी। चौथा सवाल जीत गई नी। अब अगला सवाल 10,000 रुपया खातिर। 4 सवाल के सही जवाब दे के 5,000 रुपया जीत चुकल बड़े। अब आवत महत्वपूर्ण सवाल 10,000 रुपया खातिर। जी तो पांचवा सवाल 10,000 रुपया खातिर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बाई। खेल जगत के अहम से कौन सितारा पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से विवाह कैले बा। और आपके ऑप्शंस बा ए साइना नेहवाल, बी सानिया मिर्जा, सी दीपिका पालिकल और डी ज्वाला गुप्ता। सर बी सानिया मिर्जा। पक्का? पक्का सर। हाँ जी पक्का। मरम और लगावट ठप्पा बी सानिया मिर्जा के नाम पे। बहुत जानकारी होगी आपके तो, ताकि आप तो सरकार ले खटिया जाड़ा लगे के हीरो बनी आप तो। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें। गाना आता है? हाँ बहुत पुराना गाना है सर। अरे गाना पुराना हो, हरकत भी तो आपकी पुरानी है ना। अप्रैल 2010 में शादी भइल रहे। जी जी सानिया मिर्जा से। जी आपके जवाब बिल्कुल सही बा। आप जीत चुकल बानी अब 10,000 रुपया मिनिमम गारंटी के एकदम हकदार हो गए नहीं आप। समय भी 15 सेकंड बढ़ गई आपके खाता में, 30 से 45 सेकंड हो गई। छठा सवाल पे आई 20,000 रुपया खातिर। ओकरा पहले कोनो ऐसन प्रेम प्रसंग बा जीवन में जेकरा कारण आपके घर छोड़े के पड़ल? हाँ सर ऐसन भइल कि पहले हमरे घर में क्यों पता नहीं के कि का है किस लड़की से हमारा कुछ ऐसा फेयर चलत बा या कुछ ऐसा। किस लड़की से या किस किस लड़की से? नहीं किस लड़की से। किस लड़की से? उसने बोला हमसे कि ऐसा ऐसा है कि हम तुम्हें चाहते हैं या हम तुम्हें चाहिला। तो हम कह लिए उनसे कि ऐसी शादी पॉसिबल नहीं थे कि हमारे परिवार वाले का ना मनी है। बाद में घर वाले जान गए मेरे कि ऐसा ऐसा है, तो कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के नाते फिर अचानक कि तुमने ऐसा किया ही क्यों। धन्य लड़की एक ही गोत्र कर है का? हाँ कुछ ऐसा ही था सर। कुछ ऐसा ही था, यही वजह से विवाद हो गई। जी तो फिर मैंने कुछ सफाई देनी भी चाहिए घर वालों को कि मेरा कोई रोल नहीं है इसमें इस टाइप से। तो लेकिन उन्होंने कहा कि कोई आर्ग्यूमेंट हम नहीं सुनना चाहते तुम्हारा, और तुम अपना तुरंत सब कुछ अपना समेटो और घर से निकल जाओ अपना। तो फिर मैं घर से निकल गया। फिर मैंने भी किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से कोई हेल्प नहीं ली। मैं एक बार सुसाइड भी करने वाला था नहीं, कि नहीं, कोई नहीं, नहीं बोल रहा था उस समय सर रियली। और मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे कि मुझे किसी ने हैदराबाद बुलाया कि तुम ट्रेन से आ जाओ और हैदराबाद में आईटी सिम जॉब लगवा देता हूँ मैं। तो आज तो ये प्रोग्राम में आप आइल बानी, दुनिया देखा था ये प्रोग्राम के। जी ये प्रोग्राम के जरिए आप कुछ अपना परिवार के माता पिता के कुछ कहे के चाह भैया से? हाँ ये कहे चाहे कि वैसे जो भी है हमारी गलती है उसमें, और आज तक हम कोनो ऐसा काम नहीं कैली कि जेपर घर वाले या घर के और सारे सदस्य मतलब खुश हों या गर्व कर सके। मेरी पढ़ाई भी एवरेज ही रही है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, जीवन में रह के नाम करो और अपने माता पिता सबको प्रणाम करो। देखी सब ठीक हो जाई। हम इनका तरफ से राव लोगन से अनुरोध और विनती करत बानी, एक ना सिर्फ हम माफ करी बल्कि इनका बुला के एकदम गले लगा ली। इनका तरफ से प्रार्थना बा। आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अब छठा सवाल 20,000 रुपया के खातिर कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहल बा ई सवाल। एडम्स ब्रिज जेकरा के राम सेतु भी कहल जाला, कौन दूगो देश के बीच में बा। समय बढ़ गई बा, 45 सेकंड बा और ऑप्शंस बा 4। ए भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत चीन और डी भारत श्रीलंका। और तीनों लाइफ लाइन बचल बा। जी डी भारत श्रीलंका। भारत श्रीलंका जी। राम सेतु जो अभी काफी चर्चा में भी रहल बा वो भारत श्रीलंका के बीच में ही है। ओके जी तो डी। पक्का? जी पक्का। मारी मोहर लगाई ठप्पा। जी
डी भारत श्रीलंका पर ठप्पा लगाओ जाओ। काजी छोटे भाई जी। हाँ सर बोलिए। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है सर कि 1 करोड़ पूरा जीत के ले जाएंगे। अरे वो तो ले ही जाएंगे, वो कौन रोकेगा? रजाई या संदूकची के साथ ले जाएंगे। वो तो पता नहीं साहब। पता नहीं, ये बताइए सवाल का जवाब दिया सही दिया कि नहीं दिया? एकदम सही है सर। सही दे दे बड़े। एकदम सही है। पक्का? पक्का सर। आप जीत गए नहीं है सवाल डी। डी जवाब सही बा। पौराणिक मान्यता अनुसार लंका पहुंचे खातिर राम के सेना ई पुल के निर्माण कैले रहे जी। और आप एकदम 20,000 रुपए जीत चुकल वानी। अब थोड़ा सावधानी पूर्वक तो 7वां सवाल 40,000 रुपया खातिर कंप्यूटर स्क्रीन पे ईबा। दो देशन के राष्ट्र प्रमुख के बीच होके वाली आधिकारिक बातचीत खातिर आम तौर पे कौन शब्द के प्रयोग होखेला? और आपके ऑप्शंस बा ए श्रेष्ठ, बी संपूर्ण, सी सम्मुख और डी शिखर। 3 लाइफलाइन, तीनों के इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ए श्रेष्ठ, बी संपूर्ण, सी सम्मुख और डी शिखर। सर शिखर होना चाहिए। शिखर शिखर सर। शिखर सर। डी शिखर। पक्का जवाब? जी। शिखर पर ठप्पा लगा दी? जी जी शिखर होना चाहिए जी। पक्का? जी शिखर। मारी मोहर लगाई ठप्पा डी शिखर पे। ओफ श्रेष्ठ, संपूर्ण, सम्मुख, ये रजाई और संदूक से बहुत कुछ सीख के आई बड़ा मामला शिखर तक पहुंच गए। ठीक बात, जवाब सही बात, डी सही बात, शिखर। 40,000 रुपया जीत गई नहीं आप। उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आई बड़े कौशलेंद्र कुमार शुक्ला जी 40,000 रुपया जीत गए बड़न। अब की सवाल हो कि इनका से 80,000 रुपया खातिर 8वां सवाल। ई सवाल एमे से कौना जगह के आम नगरी भी कहल जाला? और आपके ऑप्शंस बा ए मलिहाबाद, बी फरुखाबाद, सी फैजाबाद और डी गाजियाबाद। जी ए मलिहाबाद। ये जो मुस्कुराहट रही ना आप, मुस्कुराहट में बहुत विश्वास, आत्मविश्वास झलक रहे। बहुत बगिया है सर वहाँ पे आम की। बहुत बगिया है जी, रेलवे लाइन के दोनों किनारे बहुत सारी बगिया। बगिया की बात आपसे बढ़िया और के जाने? संदूक के बाद, रजाई के बाद, ओकरा बाद बगिया के बाद बागों में बहारें लगाई। वो आम के बाग। मारी मोहर सब पता बा हमरा। मारी मोहर लगाई ठप्पा मलिहाबाद, ये पे ठप्पा लगावल जाओ। तालियां। एकदम सही जवाब। यहाँ के आम दुनिया भर में मशहूर बात है। आप साइकोलॉजी में एमए कैले बानी का जी। तो आपके साइकोलॉजिकल दिमाग का कहता आपके, कहाँ तक खेल, अब कहाँ तक जाए? कोशिश करबे पूरा की 1 करोड़ रुपया हम जीती। हाँ जी, चली कोशिश में हमने सब शरीक बानी। आपके खाते 9वां सवाल जे दिलाई आपके 1,60,000 रुपया जी। और तीनों लाइफलाइन बाकी बा। अई बा 9वां सवाल 1,60,000 रुपया खातिर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल बा ई। उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से लिखे वाले धनपत राय हिंदी साहित्य में कहुना नाम से जानल जाले। और आपका ऑप्शंस बा ए प्रेमचंद, बी निराला, सी दिनकर और डी मुक्तिबोध। सर
मुस्कान तो ये कहा था कि पता बा। पता है सर, कुछ प्रेमचंद्र ही होना चाहिए। प्रेमचंद्र लाइफलाइन बाकी बा? नहीं सर, ओकर कोनो जरूरत नहीं के। कोनो जरूरत नहीं के जी? प्रेमचंद एकदम श्योर? श्योर सर। पक्का जवाब? पक्का जवाब, प्रेमचंद्र ही। मारी मुहर लगाई ठप्पा? जी। ए पे ठप्पा लगावल जाओ। वही होके चाहिए सर। उनके हम उपन्यास भी पढ़ ले बानी। बचपन में शायद उनका कहत रहे लोग कि धनपत राय या नवाब राय। सवाल का जवाब सही बा महाराज। धन्यवाद सर। शुरुआती दौर में ही उर्दू में लिखत रहन, बाद में हिंदी में लिख लगे। जी। हिंदी साहित्य में गोदान गबन जैसन मशहूर कृति के रचना यह कहले बानी जी। अपना प्रेमचंद दोनों पढ़ ले बानी सर, है ना? जी। वाह वेरी गुड, एकदम सही जवाब। 160,000 रुपया के आप हकदार हो गई नी जी। ये पैसा कितना मायने रखा था? ये पैसा हमारे लाइफ में बहुत मायने रखा था सर। अभी हम आपके बतावता नहीं कि जोने दिन हमारे फोन गई और जब हमें ऑडिशन के खातिर पटना बुलावल गई है सर, तो हम केहू तरीके से पटना जाए के व्यवस्था तो कई ले रही पैसा के, लेकिन वहाँ से जब हम अली लखनऊ तो हम बिना टिकट अली हैं सर। हम आज बताते उस समय हमारे पास पैसा नहीं रह गया था। फिर जब मेरा यहाँ के लिए सिलेक्शन भइल तो हम सोचली कि फिर यहाँ जाए के बाद तो मिली जाइए ऐसा पैसा ऐसा कुछ जो भी है, और थोड़ा बहुत पैसे की व्यवस्था के लिए। और आपको बताई कि सर हमारे साथ कोई कंपेनियन भी आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, और एक मेरे बहुत ही खास दोस्त जो कि रत्नाकर त्रिपाठी हैं, उसी इस 2 साल के दौरान मेरे उसी बंदे ने मेरी सारी मदद की, बहुत सारा कुछ किया रत्नाकर त्रिपाठी ने, और मैं उसको लाना चाहता था मगर उसके इकलौती बहन की शादी थी। हमने सब लोगों की तरफ से आपके बहुत बहुत प्रणाम रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके सलाम। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर, दिल का मेल दिमाग के खेल के बनी करोड़पति में आपके बधाई, आपका स्वागत। और आपके खातिर 10वां सवाल, 3,20,000 रुपया खातिर ई सवाल। एमे से कौन जलिए जीव अस्तन पाई ना हो जी। और आपके ऑप्शंस बा जी, ए वेल, बी रिवर डॉल्फिन, सी सील और डी शार्क। तीनों लाइफलाइन बचल बा आपके। सही जवाब 3,20 दी ही जी। गलत जवाब 10,000 रुपया वापस। हम फोन फ्रेंड यूज करना चाहेंगे। फोन फ्रेंड करो जी। रोक देवल जाए महाराज, कंप्यूटर बाबा ये फोन फ्रेंड इस्तेमाल करिए। केकरा से बतिया है? सर मैं अपने जीजा जी डॉक्टर केएल मिश्रा जी से बात करना चाहिए। केएल मिश्रा जी क्या करते हैं? वो सर डॉक्टर हैं दिल्ली में। दिल्ली में डॉक्टर हैं जी। ओके, कौशलेंद्र कुमार जी के खातिर पेश कर जाओ डॉक्टर केएल मिश्रा के, लाइन लगावल जाओ। हेलो, हेलो डॉक्टर केएल मिश्रा बोल रहे हैं? हाँ सर। नमस्कार, मेरा नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। अरे सर नाइस टू। हाँ सर बोलिए सर। आपसे बातचीत करने की इच्छा थी, आपके बहुत चहेते कौशलेंद्र कुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं। अरे सर आपकी आवाज सुनकर के ये तो मुझे मेरा क्या बताऊँ आपको, कितना मुझे खुशी हुई है। आवाज सुनने को मिल गया, कभी आपसे मुलाकात भी हो जाए तो बड़ी अच्छा होगा। आप तो दिल्ली में ही है ना? हाँ सर। हाँ सर मैं दिल्ली में हूँ। हाँ दिल्ली में तो मुलाकात अवश्य होगी आपसे। अभी आप मदद करें, आपके साले हैं आप इनके साले हैं? नहीं ये हमारे साले हैं। ये आपके साले साले तो ठीक बात। तो आप ये बता दें कि आपके और कौशलेंद्र जी की जो बातचीत होके वो 30 सेकंड के अंदर में खत्म करके होगी। तल्ली आपके समय शुरू होता अब। जीजा हाँ हाँ बोलो। इसमें से कौन सा जलीय जीव अस्तनपाई नहीं है? वेल, रिवर डॉल्फिन, सील और शार्क। कौन सा? हाँ बी शार्क। हेलो हाँ ऑप्शन बी यानी शार्क अस्तनपाई नहीं है। हाँ
हेलो। हाँ बोलिए जीजा, जलीय जीव। हेलो, ऑप्शन बी सही है। रिवर डॉल्फिन। कुछ क्लियर नहीं हो पाया सर। डी बी गाड़ी चल पड़ा वाले उसे वो कहा था ना, बी बी जी हमने की सुनाई पड़ा बी रिवर डॉल्फिन का ले वो। सर ऑडियंस पोल। हाँ ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल एक वेरी गुड वेरी गुड। स्टॉप द क्लॉक प्लीज। ओके बढ़िया लोग बैठे भाई जा, आप लोगों से विनती बा, गुजारिश बा कि इनका हेल्प करी। आपका समय शुरू हो रहा बा अब। समय खत्म भाई। 52% लोग कहता डी, 40% लोग कहता बी, मगर हम एक बात और कहत बानी, कोई असमंजस होके कोई कंफ्यूजन होके तो अभी लॉक करे से पहले यानी ये ठप्पा लगावे से पहले अगर कह दे तो कम से कम 1,60,000 यहाँ से लेके जाए जी, और एक लाइफलाइन और बचल बा इस्तेमाल करके तो वो कर सकेले। और समय शुरू हो रहा बा, और लाइफलाइन चाहिए तो बोली जी, वो भी कर लेते हैं। समय शुरू हो गया बा, 50-50 भी यूज करूंगा मैं। 50-50 स्टॉप द क्लॉक। कंप्यूटर जी महाराज से निहोरा करब, गुजारिश करब कि कोनो दू गलत जवाब के मिटा देवल जाओ, हटा देवल जाओ जी। आपके खातिर ए वेल और डी शार्क। डी शार्क। डी शार्क पक्का जी। मारी मोहर लगाई ठप्पा शार्क पे, डी पे। आप छोट भाई। हाँ सर कहिए। तो खेलना चाहिए था ना, थोड़ा को मदद करना चाहिए। हाँ किया सर, शार्क बताया हम। शार्क बताया 110% सही। 110% 110% ले बलैया, 100 पार कर गए था। चलिए महाराज, हम एक पहले आपके जवाब दी, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर हमने आगे बानी। इतना आसान नहीं है जो आप सब समझता नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बा। उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आई बानी कौशलेंद्र कुमार शुक्ला जी। बहुत अच्छा खेल रहा बानी आप, लेकिन मामला यह थोड़ा सा लटपट आ गई। आप जिनका फोन कहीं नहीं, हमारा ठीक से नहीं खे मालूम वो का कहले बी कहले कि डी कहले, क्लैरिटी ना रहे जी। सो हम बेनिफिट ऑफ डाउट हमने उनका दे सके जी, मगर बात दूर रहे आपके पास ऑप्शन वेल और शार्क, और आप वेल के छोड़ देनी और शार्क के पकड़ लेनी जी। अगर वेल के पकड़ लेती तो एकदम गलत जवाब हो। सही जवाब बा 3,20,000 रुपया आप जीत गए बानी। पहले तो हम चेक साइन कर रहे आपके खातिर, लेकिन हम साइन करे के बाद एक बात कहे के चाहब आपसे। हमारा उम्मीद बा कि आप हमार बात के ना ठुकराए, बिल्कुल, और वो बात जरूर आप पूरा करब। पहले तो आप ये चेक देख ली, बगैर टिकट गई रही हैं आप यहाँ से लखनऊ। अब जिंदगी भर कहूँ और जाए में आपके कभी टिकट की फिक्र ना हो कि हर टिकट आसान हो जाए इसके बाद। ये 3,20,000 आप रखी, लेकिन हमारी इच्छा बाकी आप यहाँ से और जीत के जाएं जी। तो हम अपने पास रख ली थोड़ा देर वास्ते, बिल्कुल थोड़ा देर वास्ते। हम कह रहे हैं कि हमारे एक इच्छा बा जी कि खुशखबरी सब कोई तो देखा था आपके जी, हम चाहब कि इस समय आप ही खुशखबरी अपने बहन के दी। खुशखबरी दीदी जी के फोन पर इनका से बात करवाई जाओ। हेलो जी, नमस्कार, नीतू जी बोल रही हैं। हाँ नमस्ते सर। अरे वाह, आप आवाज पहचान गई मेरी। बिल्कुल, आपकी आवाज कौन नहीं पहचानेगा, आप कितनी सारी पिक्चर्स देखी हैं, मूवीज देखी हैं। अरे बाप रे, अब तो मैं बहुत घबरा रहा हूँ। मैं तो अभी कहने वाला था मैं शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहा हूँ, इस वक्त आपके छोटे चहेते और लाडले भाई के सामने बैठा हुआ हूँ।
हाँ जी आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको मैंने इनके माता पिताजी को पूरे परिवार को कैमरे के जरिए के बनी करोड़पति के प्रोग्राम के जरिए बहुत विनंती की है और बहुत ही प्रार्थना अर्पित किया है हमने कि इनमें जल्दी से मेल मिलाप हो जाए। ये बहुत अच्छे हैं, कौशलेंद्र बहुत अच्छा भाई है आपका, परिवार का बहुत ही अच्छा बेटा है। के बनी करोड़पति में 3,20,000 रुपया जीत चुके हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बधाई आप उनसे, 3,20,000 का सवाल है। दीदी सामने, चलिए बोलिए, प्रणाम कीजिए। दीदी हाँ, मैं 3,20,000 रुपया जीत गया हूँ। और अरे वाह, बधाई हो। और उसी सवाल के लिए मैंने जीजा जी से भी हेल्प लिया था और फिर से खेलना, भगवान तुम्हारे साथ है। जी जी, दीदी को कुछ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बिल्कुल, वो जितना मांगेगी मैं सारा दे दूंगा। हाय तालिया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। बहुत बढ़िया लगा हम लोगों को आज। अभी 11वां सवाल, 6,40,000 रुपए खातिर ईबा। 1929 में एमएस कौन स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह संगे दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंक ले रहा हूं। और आपके ऑप्शंस बा, ए खुदीराम बोस, बी सुखदेव, सी राजगुरु और डी बटुकेश्वर दत्त। हिस्ट्री में दिलचस्पी बा? जी हाँ, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर। तो फेवरेट सब्जेक्ट है सर, आपको यकीन दिला दें, बहुत ही आसान सवाल है, रिस्क भी नहीं है इसमें। हाँ, गेन जरूर है। जी गेन जरूर है, मगर रिस्क नहीं है। मेरे हिसाब से बटुकेश्वर दत्त होना चाहिए। बटुकेश्वर दत्त। मैं सर 2 साल से बिल्कुल किताब नहीं पढ़ पाया हूँ और कुछ भी जो भी जितना पढ़ता था मैं। ये 2 साल पहले थोड़ी हुआ है, 1929 में हुआ है। हाँ, लेकिन सर रिवाइज नहीं कर पाया हूँ। इतना साल हो गया रिवाइज ना के पहले बनी सर। अच्छा? तो लेकिन मुझे हमें लगता है कि सर बटुकेश्वर दत्त ही होना चाहिए। डी बटुकेश्वर दत्त को ही है। इस समय आपके तीनों लाइफ लाइन खत्म हो चुकल बा। मिनिमम रिस्क बैकग्राम है तो का कर जाओ। चाहे गलत होके चाहे सही होके, लेकिन हम ये भी हमारा एक तरह से तुक्का ही है। मतलब आधी जानकारी, आधा कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस सवाल पे और बाकी पे तो कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए बटुकेश्वर दत्त पे ही आप करिए, ठप्पा लगाइए सर। हम जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा होगा। मारी मोहर लगाई ठप्पा डी बटुकेश्वर दत्त के नाम पे। का भाईजान, आप तो 110% श्योर रही, ये बार 10% भी श्योर बानी कि ना? 100% था। 9% 100% जी हाँ, 100% मैंने केकरा पे बटुकेश्वर दत्त। इंटरेस्टिंग सवाल, आसान सवाल, मगर जवाब कौशलेंद्र कुमार जी अच्छा खेलते खेलते 11वां सवाल 6,40,000 के बाद वही जा थोड़ा सा अटक गए ले। खैर, मिनिमम रिस्क के सवाल रहे। अभी भी आपके कितना कॉन्फिडेंस बा जी, आप कहे बानी एकदम सच बात, सच के सवाल कुछ नहीं के? जी बटुकेश्वर दत्त ही बार बार मेरे माइंड में स्ट्राइक करता, बटुकेश्वर दत्त ही हो के चाहिए। 8 अप्रैल जी 1929 के एक घटना घटल रहे जी, और आप कहने कि बटुकेश्वर दत्त जी, आपके भाई भी कहले बटुकेश्वर दत्त जी। जनता जनार्दन से तो भी हम ना पूछनी हो, लेकिन एक बात बा कि कंप्यूटर बाबा भी वही कह ले बटुकेश्वर दत्त। आपके जवाब सही बा, सही बा आपके जवाब। वाहे गुरु के आशीर्वाद से आप देखें 6,40,000 रुपया के हकदार हो गए। नहीं जी,
हम चाहब कि आप यहाँ से और जीत के जाएं। जी। आपके इजाजत हो के तो अभी फिलहाल रख ली अपने पास, फिर जाते वक्त दे दे, हमरा पर विश्वास बाना। अरे सर बहुत आई शाबाश, थैंक यू। कार्यक्रम के माध्यम से सर जो भी और आपका जो भी पूरा सिस्टम है ये, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, कि ये पैसा जो भी है, चाहे 3,20,000 हमरा के मिलत, इसने टाइम में हमें मिलल बात सर कि जो टाइम हम बहुत सख्त जरूरत रहा। गॉड ब्लेस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस। अब चली खेलल जाओ 12वां सवाल 12.5 लाख रुपया खातिर, सिर्फ याद रख जी कि तीनों लाइफ लाइन खत्म हो चुकी। जी बिल्कुल, इसलिए एकदम बढ़िया से कहीं कोनो शक हो के तो फिर रॉयल एग्जिट लेके निकल जाना बेहतर होगी। और 12वां सवाल 12.5 लाख रुपया खातिर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बा ई। में से कौन समाज सेवी 1965 के भारत पाक जंग में शामिल भइल बाड़े? और आपके ऑप्शंस बा ए बाबा आमटे, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी अन्ना हजारे और डी स्वामी अग्निवेश। आराम से टाइम लेके साढ़े 12 लाख का सवाल है, सही जवाब 12.5, गलत जवाब 3,20,000 रुपया। आराम से सोचिए। सर अन्ना हजारे सर, इतना पता है कि ये मिलिट्री में सेवा देले बने, ये मिलिट्री रिटायर्ड हुए, लेकिन अभी ना पता है कि वो 65 के युद्ध लड़ाई में रहें कि ना रहें। और सुंदरलाल बहुगुणा हमरे उत्तराखंड के हुए, बाबा आमटे के बारे में नहीं पता मुझे ज़्यादा, और ना ही स्वामी अग्निवेश के बारे में, बस अन्ना हजारे फौजी थे पहले। तो क्या किया जाए? इसी को सर ठप्पा लगाइए, मैं एक बार तो रिस्क ले लेता हूँ सर। पक्का? पक्का सर। गलत जवाब ले जाएगा आपको 3,20,000 रुपये, सही जवाब दिलाएगा 12.5 लाख। पक्का? ठीक है सर, अन्ना हजारे। श्योर? श्योर। मारी मोहर लगाई ठप्पा? मारी ठप्पा, मारा मोहर लगावा ठप्पा सी अन्ना हजारे पे। उफ, हम कहले नहीं आपके कि लाइफ लाइन खत्म हो गई बा, हम कहले नहीं आपके कि सोच समझ के जवाब दी, सब लाइफ लाइन खत्म हो गई महाराज। 6,40,000 हम साइन कर लिए जा, हम कहीं जरा सा गलत जवाब लेके जाए 3,20,000 रुपए। जी आप बताइए। पता नहीं सर इसके बारे में, पहले 110% था। हाँ सर, जो पता था, फिर 100% हुआ। हाँ सर, अब सीधे सड़क के पतली गली। नहीं, इसके बारे में नहीं पता सर, जिस क्वेश्चन के बारे में। चलिए जाइए, जीत गए नहीं आप सर। बगैर लाइफ लाइन के अब तो कहे पड़ी भाई, बहुत जान है, बहुत जान है। 12.5 लाख रुपया का चेक। रखी, बाद में दे दे। जी अभी थोड़ी देर के लिए आप ही रखिए। थोड़ी देर के लिए? श्योर बड़े। 3 प्रश्न बचे हैं सर। क्या करो भी पैसा के, सबसे पहले बताएं।
सबसे पहले तो सर अभी मैं जो अपना हमारा पुराना घर है या जहाँ समझ गए नहीं अलग एक घर बनाना चाहते हैं। माता पिता के चरणों पे कुछ रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पापा दीदी को उसकी शादी थी सर पिछले 16 जून को और बहुत धूमधाम से शादी हुई। डॉक्टर थे ये MBBS, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया घर और ये रोई फिर बोली कि भैया आप आइए। मैंने कहा अगर घर वाले मुझे नहीं बुलाते हैं तो मैं नहीं आऊँगा। मेरा अपना ख्याल है आपको जाना चाहिए था, जाना चाहिए था सर, लेकिन और अभी जब हो गया जी एकदम जाके, अरे दो आंसू सबसे बड़ा आपका उपहार जो होगा खुशी के दो आंसू होंगे, और दो आंसू सिर्फ उपहार ही नहीं होगा बल्कि आपके माता पिता को परिवार को एक सूत्र में बांध देगा। सबसे दुनिया में सबसे अहम शब्द है, सबसे अहम वाक्य है आई लव यू, और सबसे दूसरा अहम वाक्य है आई एम सॉरी जी। मैं समझता हूँ आज के इस कार्यक्रम के जरिए आपने दोनों चीज़ महसूस कराई है अपने परिवार को, आई लव यू और एक बार मुड़ के कह दीजिए आई एम सॉरी। आई लव यू एंड आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। के बनी करोड़पति के अगला सवाल बाप 12वां नंबर ना बल्कि 13वां। अरे ले बलैया हुटरबा हुट कर दी, खेल ही पे रोके के पड़ी लेकिन खेल आगे भी जारी रही। शो मस्ट गो ऑन। आधुनिकता के बारे में ज्यादा कुछ तो ना कहब, बस एक छोट सा बात याद आवता। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या सच्चा सौंदर्य लहू का आनंद पे चमकाओगे? और यह विचार संदेश के साथ दी इजाजत आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक खातिर आप लोगन के आपन शत्रुघ्न सिन्हा धरती पुत्र बिहारी बाबू के आप तमाम लोगन का नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, जय हिंद। चौदहवां सवाल, अब तक के जीवन का सबसे बड़ा रिस्क होगा ये। सब लोग बनाते हैं। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। राहुल पसंदीदा अभिनेत्री क्या? तो एक के नाम बताए तो बाकी दूसरे सब लड़े लगे हैं। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री में शॉटगन कहा जाला, वो और होंगे जो तेवर हवा के देखते हैं, हम तो मझधार में कश्ती चला के देखते हैं।